Hi everyone, this is Anna, a legal intern in a Alexis & Company. So I'm from UPE's Dehradun School of Law. So today in this video we will discuss about Article 356 of Indian Constitution with the SR Bumai case. कि हुआ क्या, as we all know कि जो आर्टिकल 356 है वो जो बात करता है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की ब्रेकडाउन की. ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टाइम पे ऐसा प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट में, जब भी कुछ ऐसी इमरजेंसी हो या कुछ भी ऐसा उन्हें लगे कि ज़रूरत है वो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल. तो टुडे वी विल डिस्कस कि ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी चैलेंज किया एंड उसके बाद ये भी बोला है कि इसको एक डेड लेटर लॉ कह दिया गया एंड इसको काफ़ी मिसयूज़ पे भी इसकी बात हुई. क्योंकि आपको पता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में देखें तो ही ऑल्सो सेड कि ये एक ऐसा लॉ है जिसको मिनिमल यूज़ करें, एंड बिकॉज ये इतना ज़्यादा डेड लेटर है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के छोड़ तो रहे हैं, बट ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट तभी यूज़ करेगी जब अटमोस्ट अर्जेंसी होगी. लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं इन लास्ट ऑफ 75 ईयर्स, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इसको यूज़ किया जाए या कुछ भी हो. विल लेट्स सी कि बेसिकली हुआ क्या था ऐसा. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली ये बात करता है कि इन प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, कि अगर बाय चांस स्टेट में ऐसा कुछ हो जाता है कि स्टेट की जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल कर जाती है, तो जो प्रेसिडेंट है गवर्नर की रिसीप्ट पे रिपोर्ट पे गवर्नर ने कुछ भी रिसीप्ट दिया है, कोई भी रिपोर्ट दिया जिससे प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट का रूल हटा के सेंटर का रूल चला जाता है. ठीक है, इफ़ द प्रेजिडेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेजिडेंट में भी प्रोक्लेमेशन, मतलब प्रेजिडेंट रूल लाया जा सकता है. तो इसकी जो उसकी बात करते हैं कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 355 में दिया गया है. तो आर्टिकल 355 में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कुछ भी जो सेंटर है वो स्टेट को कुछ भी ऐसी डायरेक्शंस देती है करने के लिए जो स्टेट नहीं करती है, या फिर स्टेट कुछ ऐसे फंक्शंस कर रही है विच आर नॉट डेमोक्रेटिक और अगेंस्ट द वेलफेयर और द एनीथिंग ऑफ द सोसाइटी, तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है और सेंटर अपना रूल कर सकती है. ठीक है, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मैंने बोला. तो उसके अंदर ये भी दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट रूल है तो उस वो तभी पास होगा जब वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा. ठीक है, सो इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव होना चाहिए विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू बाय सिंपल मेजॉरिटी भी होनी चाहिए. फिर कि जो व्हेन अप्रूव द प्रेसिडेंट्स रूल इट कॉन्टिन्यूज फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, 6 मंथ्स के बाद मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स रहेगा. ठीक है, और अगर उसको आगे कैरी ऑन करना है हर 6 महीने बाद, ऐसे 3 साल तक चलता रह सकता है, और अगर उसको आगे करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर बैठा जाएगा. अगर रिवोक भी करना है तो भी पार्लियामेंट की सिटिंग होगी, तभी अच्छे से होगा. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज यही हैं कि जो प्रेसिडेंट है विल टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स जो वेस्टेड होंगी इन द गवर्नमेंट सब उनके पास चली जाएंगी और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है. वेल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ द स्टैट्यू लेजिस्लेचर आर एक्सरसाइज टू बी द बाय द पार्लियामेंट ऑल्सो एंड प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर ऑल द नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग सस्पेंशन और एनी रिलेट टू एनी पार्लियामेंट्री सेशन और द बॉडी और एनीथिंग एंड प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हो सकता है. वेल अब हम बात करते हैं 1988 की, जब केस आया था एस आर बुमाई केस.
तो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला अपनी सिटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पर भी कि दिस लॉ इज़ डेड लेटर डिक्लेयर कर रहे थे वो कि इसको तभी यूज़ करना जब बहुत एडमोस्ट प्रायोरिटी हो, बिकॉज इसके अंडर जो यूटिलिटेरियन है, जो हम बोलते हैं कि हम क्वासाई फेडरल हैं, वो चीज़ इसके अंदर आती है, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को ख़राब मत करना। हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएं तभी सेंटर ऐसे स्टेप्स ले, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है इन द फ्यूचर। तो बेसिकली एसआरबोमाइन केस में क्या हुआ कि 1988 में जो एसआरबोमाइन की पार्टी थी, जनता दल गवर्नमेंट थी कर्नाटका, ठीक है, तो जो उनकी थी पूरी उस टाइम पे डिसमिस हो रहे थे, मतलब कुछ जो मिनिस्टर्स थे अंदर के एमएलए थे वो दूसरी पार्टीज में जा रहे थे, कांग्रेस में जा रहे थे, और जो बाकी के थे वो डिसमिस पर सो रहे थे, मतलब पूरी टूट रही थी, माइनॉरिटी में आ गई थी पूरी की पूरी जो थी। तो क्या हुआ है कि हिज गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड ऑन April 21, 1989 अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज, ठीक है, एंड इन वर्ड वॉज देन अ मोस्टली कॉमन मोड टू कीप द अपोजिशन पार्टीज एट बे। उस टाइम पे बहुत है कि अगर अपोजिशन पार्टी है उसको दूर रखना है तो फिर उसको 356 का आर्टिकल लगा दो एंड वो पार्टी डिसमिस हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब पूरा स्टेट गवर्नमेंट का चला जाएगा और तो सेंटर का पूरा वो आ जाएगा, अथॉरिटी आ जाएगी। तो जिस वजह से ये उस टाइम पे इस केस में हुआ था, सो दिस डिसमिसल इट वॉज ऑन द ग्राउंड्स दैट द बोमाई गवर्नमेंट हैड लॉस्ट मेजॉरिटी, क्योंकि कुछ एम एल एज इधर चले गए थे, कुछ ने छोड़ दिया था, वो माइनॉरिटी में आ गई थी, एंड इट वॉज फॉलोइंग द लार्ज स्केल डिफेक्शंस इंजीनियरिंग बाय सेवरल लीड पार्टीज लाइक ऑन दैट डे ओनली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्यों हुआ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।